एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इस लेक्चर में हम तीन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का एंड एक न्यूमेरिकल करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, यानी टोटल थ्री न्यूमेरिकल करेंगे। दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर MBA स्टूडेंट, MCOM, BBA, BCOM, PGT कॉमर्स एंड अकाउंट असिस्टेंट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, सी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 500, रुपीज 1000 एंड रुपीज 2000 रिसीव फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिवली इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। यानी कि 3 साल तक आपको पैसे मिलते हैं, एक साल मिलता है आपको 500, दूसरे साल मिलता है आपको 1000, तीसरे साल मिलता है आपको 2000। तो आपको क्या बताना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आज की डेट में उसकी वैल्यू बताना है। जो आपको 1 ईयर के आफ्टर 500 मिलेगा, जो 2 ईयर के आफ्टर जो वैल्यू है 1000 है, एंड थर्ड ईयर में क्या है 2000, उसकी आपको कब बतानी है, आज की डेट में वैल्यू बतानी है। कब बतानी है, आज की डेट में, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। सी, यानी कि इसको यहाँ तक लाना है, इसको भी यहाँ तक लाना है, इसको भी यहाँ तक लाना है। 500 को 1 ईयर बैक, 1000 को 2 ईयर बैक एंड 2000 को 3 ईयर बैक। क्लियर है ये चीज। रेट क्या गिवन है, 10% पर एनम। दोस्तों, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट वैल्यू या कंपाउंडेड वैल्यू की टेबल किस तरह से देखते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगी कि टेबल देखने का फंडा क्या होता है। सी, अगर जो वैल्यू है फ्लो की, कैश फ्लो की वैल्यू अगर इक्वल है, यानी कि हर साल इक्वल इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है और उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर टेबल। अगर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की वैल्यू हर साल एक जैसी है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 500, सेकंड ईयर 500, थर्ड ईयर 500, फोर्थ ईयर 500, फिफ्थ ईयर 500, मींस ईच एंड एवरी ईयर यू विल गेट द सेम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, देन यू शुड गो फॉर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर टेबल फॉर कैलकुलेशन। वन थिंग क्लियर है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर कब देखते हैं, जब कैश फ्लो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आपका कैश फ्लो अनइक्वल है, जैसा हमारे क्वेश्चन में भी है, तो कौन सी टेबल देखते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। अगर कैश फ्लो की वैल्यू अनइक्वल है, हर साल अलग अलग है, तो हम टेबल देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। पहले ये बताइए, इतना क्लियर है कि नहीं। अगर कैश फ्लो की वैल्यू इक्वल है, तो हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर टेबल, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अगर कैश फ्लो की वैल्यू अनइक्वल है, डिफरेंट है, तो हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। क्लियर है। देन उसके बाद टेबल देखने के बाद कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है। सबसे पहले आपको टेबल देखना आना चाहिए। अगर आपने टेबल ही गलत देखा है, तो सारा का सारा काम आपका गलत हो जाएगा। हमारे पास क्या है, अनइक्वल वैल्यू। अनइक्वल वैल्यू है तो कौन से टेबल देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। रेट क्या है, 10%। जितने भी ईयर में देखना हो, उतने ईयर में आप चेक कर सकते हैं। तो पहला कॉलम हमारा होगा ईयर का, 1, 2, 3। फर्स्ट ईयर मिला 500, सेकेंड 1000 एंड थर्ड ईयर 2000। देन टेबल निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, और उसमें
10% की वैल्यू देखेंगे, 10% की वैल्यू 1 ईयर में, 10% की वैल्यू 2 ईयर में, 10% की वैल्यू 3 ईयर में। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में 10% की वैल्यू 1 ईयर में, 10% की वैल्यू 2 ईयर में एंड 10% की वैल्यू 3 ईयर में। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। पहले ये डिसाइड करना है कौन सी टेबल देखनी है, उसके बाद टेबल देख के उसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। देन अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं, आपके पास है अमाउंट और आपने टेबल से पीवीएफ फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई। सपोज ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो आपका पीवी क्या होगा, 1 × 2। 500 को आप 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 454.5, यानी कि 500 रुपये एक साल पहले कितने हो जाएंगे, 454.5। 1000 × 8.26, 2000 × 0.751, तीनों वैल्यू को ऐड कर दोगे, यू विल गेट 2782.50। ये क्या आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, देयर आर टू प्रोजेक्ट्स एंड अवेलेबल इन द मार्केट, नेमली प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। आउट ऑफ दीज टू प्रोजेक्ट्स सजेस्ट द फिजिबल प्रोजेक्ट फॉर फर्म ए बी सी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। इनिशियल आउटले मतलब क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश, प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है। प्रोजेक्ट ए में 12,000 और प्रोजेक्ट बी में 18। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए की लाइफ 5 ईयर है, प्रोजेक्ट बी की लाइफ भी 5 ईयर है। देन स्क्रैप वैल्यू, प्रोजेक्ट ए की निल है, प्रोजेक्ट बी की 2000 है। देन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, क्या गिवन है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फ्रेंड्स अगर कैश फ्लो दिया हुआ है या कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है मींस द सेम, जब तक आपको बिफोर ना दे तब तक आप आफ्टर ही मानेंगे, चाहे आफ्टर लिखा हो या नहीं लिखा हो। लेकिन अगर लिखा हुआ है कैश फ्लो बिफोर टैक्स, तो इससे आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो अगर आपके क्वेश्चन में कैश फ्लो लिखा है या कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिखा है मीन्स द सेम, क्लियर है। तो आपको 5 ईयर के कैश फ्लो दिए हुए दोनों प्रोजेक्ट्स के, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी के, फर्स्ट ईयर 4, 3, 2 एंड सो ऑन, हर साल का कितना कितना गेट हो रहा है आपको गिवन है। देन आपको डिस्काउंटेड रेट गिवन है दोनों की, इसकी भी 10% है और उसकी भी 10% है, क्लियर है। तो अब एक एक प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि हम क्या निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बस बेस पे बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फंडा होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे हम उस प्रोजेक्ट को चूज करते हैं जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। सपोज दो प्रोजेक्ट हैं तो किसको चूज करेंगे, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर होगी उसको चूज करेंगे। अगर एक माइनस है और एक प्लस है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हमेशा पॉजिटिव को चूज करेंगे। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो किसको यूज करेंगे, जिसका जिस नेगेटिव की वैल्यू कम होगी। अगर चूज करना ही है, दोनों नेगेटिव हैं, तो भाई टेक्निकली तो हम प्रोजेक्ट चूज करेंगे ही नहीं। बट अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है और दोनों में आपको नेगेटिव वैल्यू गेट हो रही है, तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे, जिसमें नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। जिसमें नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव का मतलब क्या है, आपको आपका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। तो मैथमेटिकल मत देखना, मैंने क्या बोला, उस प्रोजेक्ट को चुनना है नेगेटिव में जिसका नेगेटिव कम होगा। अगर मैथमेटिकल तरीके से देखने लगे तो किसको चूज करोगे, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा आएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ ज़्यादा का मतलब है वो वैल्यू कम है। बट वो मैथमेटिक्स में है, इसमें क्या है, जो नेगेटिव में कम वैल्यू होगी उसको चूज करेंगे। इतना क्लियर है, दोनों पॉजिटिव हैं ग्रेटर वैल्यू को, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है पॉजिटिव को, दोनों नेगेटिव हैं
जिसका नेगेटिव कम होगा उसको चूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पहले प्रोजेक्ट ए का निकालेंगे फिर प्रोजेक्ट बी का। अब देखिए, मैंने अभी से पिछले क्वेश्चन में आपको जो बताया था उसमें आपको बताया कि भाई सेम फ्लो है या डिफरेंट फ्लो है। अगर आप प्रोजेक्ट एक को देखते हैं तो हर साल का फ्लो क्या है, अलग अलग है, और इसमें हर साल का फ्लो क्या है, एक जैसा है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। और इसका हर साल का एक जैसा है, इसके लिए कौन सी वैल्यू देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। ये क्वेश्चन पढ़ते समय आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है, कैश फ्लो डिफरेंट है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखोगे, कैश फ्लो सेम है तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर टेबल देखोगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले सारा डेटा कॉपी करते हैं क्वेश्चन में से। ईयर हमारे पास 5 है, ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं थी, अमाउंट पुट कर दी हमने सारी। देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में आपने देखा 10% को 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में, 5 ईयर में, जो भी परसेंटेज दी हुई है उसको जितने ईयर में हमें चाहिए उतने ईयर में आप देख सकते हो। इतना क्लियर है? तो आपने टेबल देखी, वैल्यू पुट कर दी, देन प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये सपोज 1 है, ये 2 है, तो पीवी क्या होगा, 1 × 2 करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, 4000 × 10, 3000 × 10 एंड सो ऑन। क्लियर है? देन इनका क्या कर देंगे, टोटल। इनका जो टोटल होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? इनका टोटल क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू। हमें क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आई है, 12,149, और आउटफ्लो क्या है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। आपके प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी थी, 12,000, तो 12,000 आज की डेट की वैल्यू है, इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। तो आउटफ्लो क्या हो गया, 12,000, और आंसर क्या आ गया, 149। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। प्रेजेंट वैल्यू निकाली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो यानी कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो माइनस किया, आपके पास जो वैल्यू आ गई वो हो गई नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? देन दूसरे प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में फ्लो क्या है, एक जैसा है, तो आप एक ही बारी में कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इस सिचुएशन में, एन्यूटी वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। 10% को कहाँ देखोगे आप, 5 ईयर में। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी वैल्यू यानी कि जो कैश का इक्वल फ्लो होता है उसे एन्यूटी कहते हैं, इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 10% को 5 ईयर में। ठीक है, एन्यूटी वैल्यू प्रेजेंट। अब हम प्रोजेक्ट की बात करें तो आप देख रहे हो प्रोजेक्ट बी में स्क्रैप वैल्यू भी है, आपको गिवन है स्क्रैप वैल्यू 2000, तो स्क्रैप वैल्यू भी मेंशन करोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन्यूटी वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 5 ईयर में प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप। एन्यूटी क्या है, इक्वल कैश फ्लो। इक्वल कैश फ्लो कितना है, 3000। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर टेबल में 10% को 5 ईयर में चेक करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.790। सिमिलरली ये क्या है आपका, स्क्रैप की वैल्यू। स्क्रैप की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको किस में देखोगे, क्योंकि ये हर साल नहीं मिल रहा, आज इन्वेस्ट होके यानी कि ये स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद है, 5 साल से डायरेक्टली यहाँ आ रही है, तो इसके लिए क्या देखोगे आप, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। इसमें कोई फ्लो की बात नहीं है, 5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू मिलेगी और आज जीरो में चेक करना है, तो इसके लिए भी कौन सी टेबल देखोगे,
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में 10% को कहाँ देखोगे, 5 ईयर में। लास्ट जितना लाइफ होती है उतने ईयर में ही चेक करते हैं, तो 5 साल है तो 5 में चेक करोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.621। ठीक है, अगर आपको टेबल देखनी ना आए तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे बता सकते हो, मैं एक टेबल देखने वाली वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी। देन इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, दोनों को ऐड किया यू विल गेट ₹12,612। देन फॉर्मूला हम बता चुके हैं नेट प्रेजेंट का, क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर आप प्रोजेक्ट बी में देखें तो प्रोजेक्ट बी का इनिशियल आउटले यानी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 18,000। हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 12,612, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 18, डिफरेंस निकाला तो आपका आंसर क्या आ गया, -5388। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट ए इज फिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए इज पॉजिटिव। ये रिवीजन क्लास हो रही है, अगर किसी चीज़ की आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर डाउट मेल आईडी जो कि लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी उस पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आई विल शॉर्ट इट आउट योर प्रॉब्लम। क्लियर है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा फिजिबल है एनपीवी के अकॉर्डिंग, तो कौन सा है, प्रोजेक्ट ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिक्स प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट का मतलब है प्रोजेक्ट का कॉस्ट, या फिर आप बोल सकते हो आउटफ्लो। ये 3 जीरो इनके मिसिंग कर दिए हैं, यानी कि ये 1000 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, 10 लाख है। 1000, 6000, 5000, देन 2000, 2500 and 500। सिमिलरली यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, बट यहाँ पे अब की बार क्या वैल्यू गिवन है आपको, कैश आउटफ्लो और नेट प्रेजेंट वैल्यू की गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड रैंक देम। आपको हर प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है और इसको रैंक करना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रोजेक्ट वुड यू चूज इफ द टोटल अवेलेबल फंड आर ₹80,000। अगर टोटल अवेलेबल फंड 80,000 है तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है आपको ये पता होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हमें आउटफ्लो तो गिवन है बट इनफ्लो गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। आपके पास आउटफ्लो की वैल्यू है, इनफ्लो की नहीं है। इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो वही मैंने फॉर्मूला बना दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, एनपीवी प्लस आउटफ्लो। क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रोजेक्ट, हमें गिवन है आउटफ्लो, हमें गिवन है एनपीवी। एनपीवी और आउटफ्लो को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, कैश इनफ्लो। इन दोनों को ऐड, सपोज ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ये सेकंड, ये कॉलम कैश फ्लो का क्या हो गया, फॉर्मूला ऊपर हमने दिखाया ये 1+2, 1000+210, 6+ this and so on।
इस तरह से प्लस करके हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। देन प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यूज करो। देखिए पहली वाला 1210 इनफ्लो है, आउटफ्लो कितना है 1000, डेसिमल लगाओगे कितना आंसर आएगा 1.21। सेकंड क्या है, आउटफ्लो क्या है 7560 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो 6000, निकालोगे ये आएगा। सिमिलरली सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर देनी है, क्या होगा ये कॉलम क्या आ गया आपका, ये वाला कॉलम आपका हो जाएगा, इसको मैं राइट कर देती हूँ, ये कॉलम हो जाएगा आपका, ये कॉलम थ्री आया था हमारा, कॉलम थ्री डिवाइडेड बाय कॉलम वन, यानी कि कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इतना बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेबल देखनी आनी चाहिए, क्लियर है। चलिए देखिए अब दूसरा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें आपसे, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था इसको रैंक करने के लिए, सी हमें क्या करना है, रैंक करना है प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे। तो सबसे पहले रैंक करते हैं इसको, फर्स्ट रैंक किसका है, जिसका पीवी ज़्यादा है। इन जनरल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं जिसका पीआई ग्रेटर देन वन होता है। अगर नॉर्मल डिसीजन लेना है एक प्रोजेक्ट के बारे में तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन होता है, और अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हायर होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, रैंक करना है, यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट क्या होगा जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। सी सबसे ज़्यादा इसका है ये फर्स्ट, ये सेकंड, देन 1.2, ये हो गया थर्ड, 1.9, 4, 1.17, फिफ्थ, 1.13, ये क्या हो गया सिक्स्थ। तो आपसे पूछा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पे आपको रैंक करना है, तो आपने क्या कर देना है, इसको रैंक कर देना है। ये रैंक आपने जो उधर हमने दिखाए थे, कौन सा प्रोजेक्ट फर्स्ट आया, सेकंड, सेकंड, देन फर्स्ट, उसके बाद फिफ्थ, वही सारा रैंक इनकी मेंशन कर दी, क्लियर है। देन बी पार्ट में आपसे पूछा था विच प्रोजेक्ट वुड यू चूज इफ द टोटल अवेलेबल फंड आर ₹80। अगर आपके पास 80,000 है तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे। आपने देखा कि भाई सबसे अच्छा प्रोजेक्ट फर्स्ट था, फिर सेकंड था, देन उसके बाद फर्स्ट सेकंड के बाद था फिफ्थ। आपके पास 80,000 रुपीज़ है और ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, सॉरी 80 लैक्स, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 80 लैक है। अगर वैसे काउंट करोगे 30 हटा के तो कितना बन जाएगा, 30 हटा दीजिए 8,000। आपके पास 8,000 है तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे। भाई प्रोजेक्ट चूज़ करना है तो वही प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ कर लेंगे, सेकंड, फर्स्ट, कितना हो गया 7,000, एंड थर्ड 7,500। ये तीन प्रोजेक्ट हम, अगर आपके पास 8,000 है तो चूज़ कर सकते हो, कौन से, सेकंड, वन एंड सिक्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन और है नहीं, आप चाहो तो, क्योंकि आप रैंकिंग देखते हो तो सिक्स की फोर्थ रैंकिंग है, तो इतना बेकार प्रोजेक्ट भी नहीं है कंपेरेटिव टू अदर। तो आपसे पूछा जाए अगर आपके पास 80 लाख है तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे, सेकंड, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट एंड सिक्स्थ, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की क्लास के तीन क्वेश्चन थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो हम फिर इसी टाइप के वीडियो आपके लिए आगे अपलोड करेंगे।
आपको सेशन पसंद आया हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप हमारी आईडी doubt.cst@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने FM का एक मिक्स सेक्शन अपलोड किया है। अगर आपको पसंद आता है और मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है देन आई विल कंटिन्यू द सीरीज। अगर इस मुझे लगता है कि ये यूज़फुल नहीं है बिकॉज आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके शेयर मुझे बताएंगे कि भाई मैंने आपके लिए अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, देन आई विल कंटिन्यू इट, अदरवाइज आई विल थिंक कि क्या करना है आगे नेक्स्ट सेशन का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।